Jai Bhim Jai Bhim bada sina hai Shri Jai Bhim Jai Bhim Jai Bhim app available on the Play Store and Apple App Store now महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर के विवाद के बीच पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने तीन मई तक मस्जिदों के पास लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर अल्टीमेटम दिया है इधर राज्य के गृह विभाग का कहना है की लाउड स्पीकर का उपयोग केवल अनुमति के बाद ही किया जा सकेगा मुंबई पुलिस ने गुरुवार को कहा की कि वे किसी भी हालत ऐसी निपटने के लिए तैयार है साथ ही उन्होंने बताया की कि किसी भी घटना स्थल आरोप पुलिस पाँच मिनट के भीतर पहुँच जाएगी उन्होंने जानकारी दी की मुंबई शहर के असुरक्षित और संवेदनशील इलाकों की पहचान की जा रही है और 24 घंटे गश्त जारी है मनसे ने ऐलान किया है कि 3 मई को अक्षय तृतीया के मौके पर पार्टी के कार्यकर्ता पूरे महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर महाआरती करेंगे इससे पहले ठाकरे ने हिंदुओं को तीन मई तक इंतजार करने और इसके बाद लाउड स्पीकर नहीं हटाने वाली मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहा था उन्होंने कहा था की लाउड स्पीकर का मुद्दा धार्मिक नहीं सामाजिक है वही इस मुद्दे पर वंचित बहुजन आघाड़ी प्रमुख प्रकाश अंबेडकर ने मनसे की तुलना फियादीन से कर दी उन्होंने कहा कि मन से पार्टी फियादीन की तरह काम कर रही है जिस तरह फियादीन को जिंदगियों और धमाकों की चिंता नहीं होती मन से भी उसी तरह राज्य में सांप्रदायिक हिंसा और दंगा फैलाना चाहती है इसलिए उन्होंने मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की चेतावनी दी है